केकेआर ने सुपर ओवर में सनराइज हैदराबाद को हराया और तीसरा हमने सुपर ओवर देखा इस आईपीएल में। करेंगे इस पूरे मैच की बात, चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। चलिए बात करते हैं स्टार्टिंग से। टॉस जीता हैदराबाद ने किया फील्डिंग का फैसला। अब ये फील्डिंग का फैसला किया क्या सही था ये, क्योंकि जिस तरीके से अभी बैटिंग कर रही है टीमें वो पहले खेलने पे ज़्यादा फायदा होता उनको। लेकिन चलिए हैदराबाद का फैसला था नोट चेस करना अच्छा समझा। तो ओपनिंग करने आया सुमन गिल और राहुल त्रिपाठी कोलकाता के लिए। दोनों ने अच्छी शुरुआत दी, दोनों धीमी शुरुआत जरूर थी लेकिन अच्छी शुरुआत थी। 6 ओवर में 48 रन बना दिए थे पावप्ले में। त्रिपाठी बोल्ड हो गए यहाँ नटराजन की बॉल पर, लेकिन इसके बाद नीतीश राणा ने अच्छी पारी खेली 20 गेंदों में 29 रन की। रसल का फॉर्म फिर से वही ऐसा ही रहा है, 11 गेंदों में 9 रन बनाए रसल ने। यन मॉर्गन ने अच्छी पारी खेली 23 गेंदों में 34 रन, वो लास्ट बॉल पर आउट हुए बिल्कुल। और लास्ट में दिनेश कार्तिक की 14 गेंदों में 29 रन की पारी की बदौलत यहाँ पर केकेआर की टीम 163 रन बनाने में कामयाब हो गई। लास्ट के 4 ओवर में 52 रन जरूर बनाए, बहुत अच्छा फिनिश किया यहाँ पर 163 रन बनाए। इसके बाद अगर हम बॉलिंग की देखें हैदराबाद की, तो 4 ओवर 27 रन देखे, एक भी विकेट नहीं लिया संदीप शर्मा ने। बैसल तम्बे 4 ओवर में 46 रन दिए, थोड़े महंगे साबित हुए। टी नटराजन ने 4 ओवर 40 रन दिए, 2 विकेट अहम लिए। विजय शंकर का जो स्पेल था ना वो काफ़ी काबिल तारीफ था, क्योंकि 4 ओवर 20 रन देखे, 1 विकेट लिया, जबकि वो तो प्रॉपर बॉलर भी नहीं है, वो तो ऑलराउंडर है। और राशिद कलाम 4 ओवर में 28 रन और 1 विकेट 7 विकेटों में। अब चेस मिला है टारगेट मिला 164 का। जब चेस करने आई तो सबसे बड़ा हैरानी का फैसला जो लिया वो था कि डेविड वार्नर ने खुद को नीचे डाला। मतलब ओपनिंग करने आए केन विलियमसन और जॉनी बेयरस्टो। अब देखिए पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप तो बहुत अच्छी रही दोनों की, 58 रन की पार्टनरशिप हुई 37 गेंदों में। जॉनी बेयरस्टो ने 28 गेंदों में 36 रन बनाए, 7 चौके। केन विलियमसन ने 19 गेंदों में 29 रन बनाए और प्रियम गर्ग जो तीसरे प्रमोट किए गए थे तीसरे नंबर पे आए, वो 7 गेंदों में 4 रन बना के लॉकी फर्गुसन का शिकार बने और बोल्ड हुए। बहुत अच्छी बॉल थी वो वाली। और मनीष पांडे को भी 5 नंबर खिसका दिया, 7 गेंदों में 6 रन बने मनीष पांडे ने। विजय शंकर 10 में 7 और अब्दुल समद ने अच्छी पारी खेली, 15 गेंदों में 23 रन बनाए उन्होंने। और बाद में डेविड वार्नर के हम शायद डेविड वार्नर के बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि 33 गेंदों में 47 रन। अब इस मैच में रोमांच जो था वो ये था कि लास्ट ओवर में 18 रन चाहिए थे। अब 18 रन चाहिए थे तो बॉल थी आंध्र रसल के हाथ में, और आंध्र रसल शायद फिट नहीं थे उतने बॉलिंग कराने लायक, लेकिन फिर भी उनको ओवर दिया मॉर्गन ने और भरोसा जताया मॉर्गन के ऊपर, उसके सॉरी रसल के ऊपर भरोसा जताया मॉर्गन ने। लेकिन देखिए थोड़ा थोड़ा करके ये काम जो है वो तमाम हो रहा था कोलकाता का, क्योंकि 3 चौके इस ओवर लगातार पड़ चुके थे। जब आप 3 चौके लगातार पड़वा लें और 18 रन चाहिए हो तो 12 रन 3 बॉल ये हो गए, तो 3 बॉल में 6 रन चाहिए होंगे, तो फिर आप सीधी सी बात है वो जीतने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। लेकिन देखिए ये कोलकाता थी, ये करिश्मा करना इसको आता है और ये देखिए क्या किया करिश्मा, 1 बॉल में चाहिए थे 2 रन और मैच हो गया टाई, और टाई हो गया तो पहुंच गया सुपर ओवर में। और देखिए मैं एक खिलाड़ी को भूल गया उससे देना, जो जिस खिलाड़ी ने इस मैच को पलटा है वो है लॉकी फर्गुसन। ये खिलाड़ी ऐसा है कि इसने अपने 4 ओवर के अपने पूरे कोटे में 15 रन देके 3 विकेट लिए और सुपर ओवर में भी कमर तोड़ के रख दी हैदराबाद की, 2 विकेट लिए इन्होंने, वो भी 2 रन देकर सुपर ओवर में। अब आप बताइए सुपर ओवर में भी आप 2 रन देकर 2 विकेट ले रहे हैं तो आप किस दर्जे के बॉलर हैं। लेकिन मैं एक चीज़ से बहुत निराश हूँ कि उनको पहले क्यों नहीं खिलाया, क्योंकि जब इतना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं तो फिर इनको खिलाइए, आप जरूर खिलाने की कोशिश कीजिए, आप चाल में फिट बैठाइए इनको। पैट कमिंस और लॉकी फर्गुसन ये जोड़ी मुझे अच्छी लग रही है और ये शायद हो सकता है कि आने वाली टीमों के लिए खतरा बन सके, और खासकर आरसीबी के लिए, क्योंकि आरसीबी अगला मैच केकेआर से है तो उसको बचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और शायद जो लॉकी फर्गुसन बॉलिंग कराई मैं तो बहुत तारीफ करूंगा यार, क्योंकि इस बंदे ने इतना अच्छा किया अंडर प्रेशर, 4 ओवर में 15 रन 3 विकेट, ओ माई गॉड। केन विलियमसन को जल्दी आउट किया इन्होंने, और मतलब बहुत जल्दी जल्दी इन्होंने विकेट लिए, जो मुझे लगता है बहुत बड़ी बेहतरीन गेंदबाजी की इन्होंने, मैं तो तारीफ कर थकूंगा नहीं। तो जो हम बात करें सुपर ओवर के, सुपर ओवर 2 रन देकर 2 विकेट लिए इन्होंने, उसके बाद 3 रन चाहिए थे केकेआर को, उन्होंने राशिद कलामादी खान को ओवर दिया, लेकिन राशिद कलामादी कहाँ बचा पाते 3 रन, 3 रन कहाँ। मॉर्गन कार्तिक आए थे ओपनिंग करने के लिए और सुपर ओवर में अब देखिए 3 रन तो खैर ये फॉर्मेलिटी थी, सच बताऊं तो मैं पहली बार हार मान चुकी थी, 2 रन पे
आउट हो गए सुपर ओवर में, तो 3 रन तो आराम से बना सकते। कुलदीप यादव को भेजते तो शायद वो भी जिता देते इस मैच को। तो इस तरीके से सुपर ओवर में KKR ने जीत लिया मैच और अपने नाम कर लिया, और 10 पॉइंट हो गए। सबसे बड़ी बात, 2 पॉइंट मिल गए उनको। 2 पॉइंट बहुत जरूरी थे, क्योंकि अगर एक और हार हुआ थी तो शायद हैदराबाद और KKR में कोई अंतर्धार रहता नहीं, और बहुत जरूरी था कि हैदराबाद को हराना बहुत जरूरी थी KKR के लिए। खैर, अब मेरी टॉप 4 टीमें जो हैं वो यही हैं, टॉप 4 जो चल रही हैं वो उसी वही टॉप 4 है मेरी, और वही टॉप 4 पहुँचेंगी। मुझे तो मे बी ऐसा 1 और 2 का बस थोड़ा रिप्लेसमेंट हो सकता है, दिल्ली मुंबई में एक दूसरे का एक्सचेंज हो रहा है, यही होंगे। बाकी तीसरे चौथे पे KKR और RCB लग रहा है मुझे, और बिल्कुल एलिमिनेटेड मुझे KKR RCB लग रहा है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरा दूसरा चैनल भी है, नवनीत सिंह प्रोडक्शन, उसको आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर आपको कोरोना की मूवी जो मेरी मैंने बनाई है, एनिमेशन मूवी बनाई है, वो आप देख नहीं पाएंगे। आप देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें बहुत नॉलेज है, उसमें आपको बहुत एंटरटेन होंगे, आप बहुत मज़ा आएगा आपको। एनिमेशन मूवी है, इसका ये नहीं कि वो अच्छी नहीं होगी, उसमें कॉन्सेप्ट अच्छा है, आप कह के देखिए, बहुत कॉमेडी है उसमें, मतलब हर तरीके की चीज़ें हैं उसमें, आप देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। और नवनीत सिंह प्रोडक्शन जो है, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बिल्कुल दूंगा मैं, क्योंकि क्यों नहीं दूंगा यार। और देखिए, मुझे ट्विटर पर भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप फॉलो करेंगे तो फिर शायद क्रिकेट अपडेट आपको मिलते रहेंगे, और बढ़िया अच्छे अच्छे मैच जो हो रहे हैं उसके बाद एनालिसिस भी तो होनी चाहिए। और सबसे बड़ी गलती क्या की हैदराबाद ने आपको मालूम है? आज हैदराबाद सबसे बड़ी गलती करी, बॉर्नर ओपनिंग पर नहीं आए, बॉर्नर ओपनिंग पर क्यों? और मनीष पांडे को 5 नंबर खिलाने का मतलब बनता, मनीष पांडे को 3 नंबर खिलाएंगे, मनीष और बॉर्नर 5 नंबर पर आना है तो आइए, 4th नंबर पर आइए, लेकिन मनीष पांडे को तो भाई आपने नंबर पर आना चाहिए, 3rd नंबर पर आना चाहिए, गर्व को शायद 5 नंबर पर आना चाहिए था, लेकिन ये गलती शायद हो गई हैदराबाद से। छोटी गलती है, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। कल के मैच में आपने देखा, 8 ओवर निकलवाया 19 में, DWS ने क्या तूफान मचाया। तो आप देखिए, छोटी छोटी गलतियाँ, लेकिन इससे तो बहुत फर्क पड़ता है, 2 पॉइंट चले आते हैं आपके इसी चीज़ के पीछे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और मैंने एनालिसिस करके बात बता दिया आपको, हैदराबाद देखिए जीता है, मैच हारी है, तो मुझे लगता है कि हैदराबाद को चुभनी चाहिए रात यार। चलो चलो, कोई बात नहीं, अब मैच देखिए, अब मैच चल रहा है Kings XI और मुंबई इंडियंस के बीच, आप जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा मैच है, वो दिलचस्प मैच बनाना है, Kings XI पंजाब को जिताना है, क्योंकि Kings XI जीतेगी तभी तो मजा आएगा 6.7 में। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।